Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is types of indexes. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, और जो भी गेट की, यूजीसी नेट की, और इवन अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड स्पेशली इंटरव्यूज़ में, तो ये सारे लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्सेस के टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस होते क्या है, मतलब कौन कौन से टाइप्स हैं और हम किस पॉइंट पे, किस जगह पे कौन सा इंडेक्स जो है वो यूज करते हैं। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज इसी टॉपिक के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, यूजीसी नेट में, बहुत सारे पीएसयू एग्जाम्स में। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस होते क्या है, प्राइमरी, क्लस्टर्ड एंड सेकेंडरी। सो जनरली हमारे पास तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर एंड सेकेंडरी। और आप ये टेबल आप डेफिनेटली ये टेबल याद करके जाना जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो। यहाँ पे हमने क्या बनाया, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, की, नॉन की। मतलब क्या, ऑर्डर्ड का मतलब है डेटा अगर आपका सॉर्टेड है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, डेटा अगर आपका सॉर्टेड है, मतलब अगर डेटा इस तरीके से है, 1, 2, 3 लाइक दैट, 4, 5, 6 इस तरीके से डेटा सॉर्टेड है। हाँ, ये भी हो सकता है लाइक 10, 9, 8, 7, 6, चाहे असेंडिंग है या डिसेंडिंग, बट ऑर्डर्ड है, मतलब सॉर्टेड है। नॉन ऑर्डर्ड का मतलब है डेटा इस तरीके से 10, 4, 6, 12, 15, 2, 1 इस तरीके से। और की का मतलब है कि अगर आपका डेटा जो है, डेटा के अंदर की वैल्यू, मतलब यूनिकनेस है। और नॉन की का मतलब डेटा अगर आपका नॉन की, मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो यूनिक हो, मतलब वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो अगर हम लें दोनों का कॉम्बिनेशन, की एंड ऑर्डर्ड फाइल, मतलब अगर आपका डेटा में की है और डेटा ऑर्डर्ड भी है, मतलब इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ना तो 1, 2, 3 कहीं पे रिपीट होगा और हमेशा ये ऑर्डर्ड होगा, तो इस केस में कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं, प्राइमरी इंडेक्स। तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या लगेगा यहाँ पे, प्राइमरी इंडेक्स। इवन अगर आप ओरेकल या सीक्वल सर्वर पे अगर काम करो, वहां पे आपने अगर टेबल में प्राइमरी की लगाई, प्राइमरी की लगाते ही प्राइमरी इंडेक्स अपने आप बन जाता है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका डेटा है ऑर्डर्ड बट नॉन की, मतलब इस तरीके से 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 लाइक डेटा इज ऑर्डर्ड बट की वैल्यू नहीं है, यूनिक नहीं है, तो उस केस में हम प्राइमरी इंडेक्स नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं क्लस्टर इंडेक्स, बिकॉज डेटा ऑर्डर और नॉन की। तो कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्स। होता क्या है ये मैं फर्दर आपको बताऊंगा, अभी आप सिर्फ ये नोट कर लो कि किस केस में हम यूज करते हैं, बिकॉज ये टेबल के ऊपर ही हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए इंडेक्स के अंदर, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांस है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो उसकी शूट की हुई है और उनका लिंक मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता हूँ, बॉक्स में जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और अगर आपका डेटा है अनऑर्डर्ड, मतलब अनऑर्डर्ड है, सॉर्टेड नहीं है बट की है, मतलब इस तरीके से 7, 6, 2, 1, 9, 3 लाइक दैट, मींस डेटा इज नॉट इन ऑर्डर बट हाँ कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो उस केस में हम यूज करते हैं सेकेंडरी इंडेक्स। और लास्ट केस क्या है, अनऑर्डर्ड एंड नॉन की, मतलब डेटा है 2, 5, 2, 3, 9, 8, 2, 5, 6, 7, मतलब वर्स्ट केस ही है ये कि ना तो उसमें ऑर्डर्ड है कोई, ना तो वो सॉर्टेड है और ना ही उसके अंदर कोई की वैल्यू है, तो उस केस में भी हम यूज करते हैं सेकेंडरी इंडेक्स। तो आपके जो बुक के अंदर जो स्टार्टिंग में इंडेक्स बना होता है, दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ प्राइमरी इंडेक्स, और बुक के लास्ट में जो इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडेक्स। होते क्या है, कैसे हम बनाते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द फर्दर वीडियो। तो यहाँ पे आप सिर्फ होते क्या है, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, वो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।